मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो देखो खूब अच्छी तरह समझो कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है ना, इस पैदाइश का बड़ा मकसद है कि अल्लाह और बंदे का ताल्लुक मजबूत हो जाए। तो ये ताल्लुक बोलने से नहीं होता, ये ताल्लुक तन्हाई में इबादत करने से होता है। तभी कुरान क्या कह रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए, यानी जो परहेजगार बनना चाहते हैं। अल्लदीन युकीमून अस्सलाता, उनकी सबसे पहली अलामत यह है कि वो लोग नमाज को कायम करते हैं। तो अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के लिए सबसे मजबूत चीज क्या है, नमाज है। इसके बगैर अल्लाह से रिलेशन कायम नहीं होता। नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, मालूमात बढ़ जाएंगी। तो आज से आजम करें। देखो नमाज की इब्तदा फर्ज से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जितना अल्लाह के करीब उस इबादत से होता है जो अल्लाह ने फर्ज की है, इतना तकर्रुब किसी और चीज से हासिल नहीं कर सकता। हजरत उमर ने देखा कि एक सहाबी के बारे में पूछा, फजर में नहीं थे, तो किसी ने कहा कि वो सारी रात इबादत करते रहे, आंख लग गई थी। तो हजरत उमर ने फरमाया कि सारी रात सोते रहते और फजर की नमाज जमात से पढ़ लेते, ये ज्यादा महबूब है अल्लाह को इस बात से कि सारी रात इबादत करें। क्यों? सारी रात इबादत फर्ज नहीं थी। फजर की नमाज जमात से पढ़ना क्या है? वो फर्ज है। तो फराइज के बाद फिर नवाफिल हैं, और नवाफिल की कसरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कसरत से इबादत करता है अपने जरूरी कामों से को निमटा के, फरमाया कि इतनी इबादत करता है कि यहां तक अल्लाह ताला फरमाते मेरा ऐसा महबूब बन जाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। यानी ये मुबालगा है। क्या मतलब? कोई काम उसका फिर मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं होता, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत उसे मिलती है। तो भाई अमल के लिए सिर्फ इल्म काफी नहीं है, अल्लाह से ताल्लुक जरूरी है। और ये खूब अच्छी तरह समझ लें, ये जो आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीजें हैं ना, ये मसले गोलियों से हल होने वाले नहीं है, ये नफसियाती डॉक्टरों से हल होने वाले नहीं है। इसका कुरान में अल्लाह ने एक ही इलाज बताया, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का लफ्ज देखो, अल्लाह का मतलब खबरदार। देखो कुरान अगर एक ऐलान कर रहा है तो उसके पीछे खबरदार का लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट काफी है। वो इतनी अनाउंसमेंट बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब कि अल्लाह के जिक्र से लोगों को, दिलों को सुकून मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से इतना कह देना काफी था या नहीं था कि अल्लाह को याद करने से दिलों को सुकून मिलता है? तो काफी था ना इतना। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, अला, सुनो, ये इसलिए कि तुम्हें दुनिया में हर शख्स ये बता रहा होगा, कोई कह रहा होगा शराब में सुकून है, कोई कह रहा होगा नाइट क्लब में सुकून है, कोई कह रहा होगा लड़कियों से दोस्तियों में सुकून है, कोई कह रहा होगा कि चर्स पीने में सुकून है, कोई कह रहा होगा कि जी गरम गरम कड़क दूध पत्ती पीने में सुकून है, कोई कह रहा होगा कि जी चर्स में सुकून मिलेगा तुम्हें, कोई कह रहा होगा जिना में सुकून मिलेगा, कोई कह रहा है डिप्रेशन की गोलियां खाने में सुकून है, कोई कह रहा है कि नफसियाती डॉक्टर से या साइकेट्रिक से इलाज में सुकून है। अल्लाह फरमाते हैं अला सुनो, मैं बता रहा हूं, ये सब गलत बातें कर रहे हैं। हकीकत में तुम्हें सुकून सिर्फ अल्लाह को याद करने में मिलेगा, इसके अलावा किसी चीज में नहीं मिलेगा। आप कह सकते हो यार हम तो जिक्र करके ट्राई करके देख लिया, हमें कोई सुकून नहीं मिला। जो सुकून सुट्टा लगाने में मिलता है वो हमें जिक्र करने में नहीं मिलता। एक चर्सी को आप बोलो कि तू चर्स छोड़, ला इलाहा इल्लल्लाह की 100 दफा तस्बीह पढ़ ले, तुझे सुकून मिलेगा, वो कहेगा मैंने तो पढ़ के देख लिया, मुझे तो मिल नहीं रहा, छुट्टा लाओ बड़ा मजा आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? जबकि कुरान क्या कह रहा है, ये गलत है। कुरान कह रहा है खबरदार, ये सब गलत बातें कर रहे हैं। अल्लाह अगर तू सही कह रहा है तो चर्सी को तो चर्स में जो सुकून मिलता है वो तस्बीह पढ़ने में नहीं मिलता। बात आ रही है, असल में सुकून की डेफिनेशन ही आप नहीं समझे।
ये सुकून नहीं है जो चर्सी को मिल रहा है, ये वक्ती तौर पर उसकी जो डिप्रेशन चर्स ना पीने से पैदा हुई है ना, जो बॉडी की एक डिप्रेशन है, वो वक्ती तौर पे खत्म हुई है। अगर चर्सी का चर्स में सुकून होता तो बार बार चर्स क्यों मांगता? वो चर्स ना मिलने से उसकी तबीयत क्यों खराब हो जाती? जो मौसीकी के और गाने सुनने के रसियाले हैं, उनका सुकून अगर देखो दुनिया में ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज गुलूकार बनते हैं, ये तहकीक है। ज्यादातर डिप्रेशन के मरीज जो म्यूजिशियन होते हैं ना, वो बनते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, चर्च में ज्यादा सुकून है या हीरोइन में? मुझे ये बताओ, हीरोइन में ज्यादा सुकून है, ऐसा ही है ना? अबे चर्च का छोड़ना आसान है, हीरोइन को छोड़ना मुश्किल, क्योंकि उसमें जो मजा है वो चर्च में नहीं है। लेकिन आपको पता है हीरोइन का अंजाम क्या होता है? अगर सुकून में होता तो तरक्की करता, फलता फूलता, सेहत अच्छी होती, हंसी खुशी जिंदगी गुजारता। जो जितना ज्यादा मजे की लाइफ गुजार रहा है ना मसनूई तरीके से, वो उतना डिप्रेशन का मरीज है। समझते हो? वो डिप्रेशन का उतना ज्यादा मरीज है। इसकी मिसाल देके बस बात खत्म करता हूं। देखो ताकत की दो किस्में हैं। एक ताकत होती है जो खाना खाने से आती है। एक कमजोर सा बारीक सा इंसान, जो जैसे आजकल के हमारे अक्सर कराची के नौजवान हैं, ऐसा लगता है हैंगर के पे कपड़े लटके हुए हैं बस। अब कोई इसे कहे कि चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ये चला गया किसी हीरोइनची के पास कि मुझे ताकत चाहिए, उसने हीरोइन का एक टीका लगा दिया, ये उछलेगा ना, छलांगे मारेगा, कूदेगा, एकदम पावर आ जाएगी, आपकी बत्ती सी फाड़ दी इसने, क्या मतलब, क्या ताकत आ गई है इसमें? बोलते क्यों नहीं, नहीं भाई ये ताकत नहीं है, ये वक्ती है, एक वक्ती उस ब्लड के सर्कुलेशन को एक चीज ने तेज कर दिया। और ये चला गया किसी डॉक्टर हकीम के पास, हकीम साहब मैं चाहता हूं मेरे जिस्म में ताकत आ जाए, तो हकीम इसको डाइट प्लान लिख के दे रहा है कि जिम जाओ, तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, रोजाना उठाया करो, थोड़े दिनों बाद वो कमीज के बटन हटा के शेरवानी के बटन लगा दो, फिर होते होते वो दो बटन, उसके बाद फिर एक एक किलो का वेट, फिर एक दिन आएगा ऐसे वेट उठाओगे, और इस दौरान ये प्लान, इतने अंडे खाने, इतनी रोटियां खानी है। अब वो कह रहा है यार उस दिन चर्सी ने टीका लगाया था, मैं जबरदस्त ताकत आ गई थी मेरी बॉडी में, और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं आज मैं जिम गया तो जाने के बाद बजाय ताकत आने के मैं तो बिल्कुल ही पड़ गया जमीन पे, दो दिन तो मुझसे बिस्तर पे, मैंने तो पैनोडल खाई है भाई, और ये जो उसने मुर्गे शुरगे बोले थे वो मैंने खाए, मेरा तो पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अबे वो ताकत नहीं है, वो चर्सी ने चर्स का एक टीका लगा दिया तुझमें, जो तू 2 मिनट उछल रहा है, वो थोड़े दिनों में जितना है ना, अभी तो हैंगर पे कपड़े नजर आ रहे हैं, हैंगर भी गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, सिर्फ कुर्ता शलवार रह जाएगा, तू नजर नहीं आएगा, तू महसूस होगा लोगों को, हकीकत महसूस होगा कि कोई बंदा था, रहेगा नहीं तू। और मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, इसमें वक्ती तौर पर तू बोर हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, जरा करके देख, साल दो साल के बाद देखना, आज तो तू बटन उठा रहा है, ठीक है ना, साल दो साल के बाद देखना तेरी कमीजें फटने लगेंगी, लोग बोलेंगे कुर्ता शलवार था अब नहीं है, अब बंदा है, कुर्ता पता नहीं कहां गया इसका। तो याद रखो, अल्लाह के जिक्र से जो सुकून मिलता है वो ऐसा नहीं होता कि आज आपको, आज बैठ गए आपने, आज एक तस्बीह पढ़ ली, आज नमाज पढ़ ली, कंटिन्यू एक काम करें, ये नेचर है, इंसान की फितरत है रब की इबादत करना। इस ट्रैक पर जब आएगा तो आहिस्ता 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 उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सुकून में जाएगा। और ये जो सुकून है ना, मौसीकी का सुकून, एक फिल्म देख ली, एक ड्रामा देख लिया, कोई फौज फिल्म देख ली और जनाब कोई सुट्टा लगा लिया, ये सुकून बर्बाद करने वाली चीजें हैं, जैसे चर्सी और हीरोइनची को टीका लगा दिया आपने। तो कुरान इसलिए कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद के अलावा किसी चीज में नहीं मिलता। करके तो देखो, ऐसा नहीं होगा कि आज तस्बीह पढ़ ली तो एकदम फिटफाट हो गए, ठीक है ना, अल्लाह से दिल लगाओ, क्योंकि दिलों पे ताकत किसकी है, अल्लाह की है, तो वहां से मोटिवेशन मिलेगी आपको, वो सब अपने आप को हवाले कर दो उसके। अंग्रेजों ने बड़ी तहकीकात की, हमारे एक रिलेटिव है अमेरिका में, उन्होंने कहा कि गोरे कहते हैं कि यार ये मुसलमान कैदी जब जेल में होते हैं ना,
अक्सर डिप्रेशन में नहीं जाते, ये पहले जमाने के कैदियों की बात है, और जो गैर मुस्लिम होते हैं वो खुदकुशियों पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वजह उसकी है कि मुसलमानों के अपने जेल के अंदर मामूलात शुरू, कोई कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई जनाब कोई तस्बीह कर रहा है, सही है ना, ये अल्लाह करने में लग जाते हैं उसमें। देखो जो चीज आपको तन्हाई में सुकून ना देना, जिस आदमी को हर वक्त लोगों का मजमा चाहिए सुकून के लिए, तो समझ लो कि ये आर्टिफिशियल सुकून है। हमने अहलुल्लाह को देखा है अकेले में सुकून से बैठे हुए हैं, जो कि आजकल कोई भी नहीं बैठ। अकेले में सुकून जब होता है जब आप अल्लाह से दिल लगा लो, तभी तो हदीस में आता है ना कुरान कब्र की वहशत को दूर करेगा। क्यों? आप दुनिया में तन्हा में तन्हा थे, अकेले थे, आपने कुरान से दोस्ती लगा ली, तिलावत करते थे आप। सऊदी अरब के बड़े आलिम थे शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला, उनके बारे में सुना कि इतना ज्यादा जिक्र करते थे कि बैतुल खला में जब जाते तो जबान को दांतों से बंद कर लेते थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जिक्र होता था। यही बात यहाँ बर्रे सगीर के एक आलिम गुजरे कारी फतेह मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खलीफा थे, वो कुरान की तिलावत इतनी ज्यादा करते थे कि जब बैतुल खला या वॉशरूम जाते तो जबान को दांतों से दबा लेते, क्योंकि ऑटोमेटिक उनकी जबान पर तिलावत शुरू हो जाती। हम नहीं कह रहा कि आप इतने बड़े बुजुर्ग बने, मैं कह रहा हूं भाई फर्ज तो पढ़ लो ना, क्या ख्याल है? कितना अच्छा लगता है यार सुबह इंसान नहा धो के मुंह साफ सुथरा करके नीट क्लीन होके अल्लाह के घर की, वो वकार जका का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने उनका, मैंने मोहतरम का एक क्लिप देखा, मुझे ख्याल हुआ यार ये बयान में बताने का है। वो उस वकार जका साहब ने क्या किया कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने नहा धो के जा मोहतरम जा रहे हैं, और मोहतरम साहब अपना क्लिप बना रहे हैं और उसका नाम लिखा हुआ है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आई बात सुनने, 100 चूहे खा के बिल्ली चली, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये क्या। तो वकार जका साहब ने कहा कि देखो ठीक है हम 100 चूहे हमने खाए हैं दिन भर में, लेकिन एक काम हम अच्छा कर रहे हैं, तो यार चलो बिल्ली हज को जा रही है तो 100 चूहे खा के अगर उसने गलत किया तो हज करने के लिए ये काम तो अच्छा किया ना। तो उसने कहा आप सुबह सुबह उठें, नहाए धोएं और फजर की नमाज जाके पढ़े। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यार एक लिबरल आदमी जब इस तरह की बात करेगा ना, तो चलो एक अच्छा पैगाम दिया ना लोगों को कि यार सारा दिन आप बेशक बैठ के 100 चूहे खा लो, दिन की इब्तदा तो तमीज से करो ना। मैं नहीं कह रहा कि वो 100 चूहे खाने वाली बात सही है गलत है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, किसी की शख्सियत पे मैं नहीं जाता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैसेज बड़ा अच्छा दे दिया। मैंने बड़ी रिप्लाई किया, मैंने कहा यार ये मैसेज बड़ा खानदानी दिया, बहुत से लोगों को शायद इससे ख्याल हो कि यार दिन भर जो मर्जी बदमाशियां करें दिन की इब्तदा तो कम अज कम तमीज से हो जाए ना। तो सुबह सुबह नहा धो के आप कभी नहाओ नहीं, बेशक सर्दियों में वजू कर लो आप, वैसे नहा के आओ ठंडे पानी से, मजा ना आए पैसे वापस। सर्दियों में कराची की सर्दी काबिले बर्दाश्त होती है, सुबह आप ठंडे पानी से नहाओ, पहला मग्गा काकड़ दिन ना करेगा, उसके बाद बिल्कुल टाइट हो जाएगा हिसाब, या शॉवर जब खोलोगे तो पहली जो छींटे पड़ेंगी वो एकदम टर्न करके आप हिलोगे, वाइब्रेशन होगी, रीस्टार्ट हो जाओगे आप, बहुत टाइट हो जाएगा काम, बस खत्म कर रहा हूं। तो जब नहा धो के आप आओ तो आप देखो कैसा सुकून मिलता है इंसान को। हमारी इबादत जो इस्लाम ने रखी है ना उसमें तहारत रख दी है, इस तहारत से इस इबादत का मज़ा दुगना हो गया है। अगर इस्लाम में ये वुजू ना होता या इस्लाम में नमाज के लिए इस्तिंजा ना होता और मिसवाक ना होती, दांत साफ करने ना होते, तो फिर नमाज का आधा मज़ा तो ख़राब हो जाता। वुजू में तकलीफ होती है इंसान को, लेकिन ये वुजू इंसान को फ्रेश कर देती है। फिर पाक कपड़े पहन के आने का हुक्म है, अगर नापाकी के साथ इजाजत होती नमाज की रूहानियत खत्म हो जाती। कितना अच्छा लगता है फजर की नमाज में, और जो फजर में आ गया इसका मतलब बाकी सारी नमाजें पढ़ लेगा वो। तो इरादा करें मेरे भाई कुछ अल्लाह का को याद करने की, और इरादे इब्तदा किससे करनी है? फर्ज नमाज से। और जुर्माना रखें अपने ऊपर। अभी जितने लोग बैठे हुए हैं अजम करें कि जिसकी कल फजर की जमात गई उसका नाश्ता गया, नाश्ता उसी दिन करना है जिस दिन फजर की नमाज जमात से पढ़नी है। जब तक सजा नहीं देंगे अपने आप को, इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलती, इंसान इंसान का बच्चा बोलो नहीं बनता। समझते हो? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।